नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अगर आप FTTH का काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि FTTH में केबल को कैसे जोड़ते हैं, यानी कि तो केबल जोड़ा जाता है उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, और उस केबल को जोड़ने के लिए आती है स्प्लाइसिंग मशीन। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे स्प्लाइसिंग मशीन में फाइबर को कैसे जोड़ते हैं। तो ये पूरा वीडियो होने वाला स्प्लाइसिंग मशीन से संबंधित, हम आपको इसमें फाइबर को ज्वाइंट करके दिखाएंगे। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ और हम आपको लेके चलते हैं स्प्लाइसिंग मशीन के वीडियो। तो दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये सभी स्प्लाइसिंग के काम में लगने वाले टूल हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे तो ये जो मशीन है इसको कहते हैं कटर। ये फाइबर को काटती है और ये आपकी स्लीव है, ये जब सभी होती हैं, और ये आपका क्लीवर होता है जो आपका इनेमल होता है फाइबर के अंदर, जो कोर में लगा हुआ होता है उस इनेमल को इससे हम हटाते हैं, ठीक है। साथ में ये होती है आईपी आइसोप्रोपाइल, तो इससे हम फाइबर के कोरों को साफ करते हैं। उसके लिए टीशू, क्योंकि हम कपड़े के इस्तेमाल नहीं करते, टीशू का इस्तेमाल हम करते हैं इसको फाइबर को क्लीन करने के लिए। साथ में जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है हमारी स्प्लाइसिंग मशीन, ठीक है दोस्तों। तो स्प्लाइसिंग मशीन है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपके नीचे ये जो दिख रहा है ये आपकी डिस्प्ले है स्क्रीन, ठीक है। और इसके यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, और हम जितना यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सभी ये बटने दी हुई हैं। ये ऑन करने की बटन है आर्क के लिए, ये हीट के लिए, रीसेट और सेट के लिए, और साथ में यहाँ पर हम स्लिप को पकाते हैं। और अगर इसका कोर हम यहाँ ज्वाइंट करते हैं, इनमें ये आर्क होते हैं जो आप देख रहे होंगे, ये आर्क के जरिए इसको जोड़ा जाता है। तो हम इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। साथ में ये हो गया पैच कट, और इसे हम कहते हैं जेसी बॉक्स, जिसमें फाइबर को हम जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि फाइबर को ज्वाइंट करने के बाद इसे बॉक्स में रखा जाता है। तो हम इसमें आपको पूरा एक कंप्लीट दिखाएंगे। तो अब चलते हैं स्प्लाइसिंग मशीन में आपको पैच कार्ड ज्वाइंट करने के हिसाब में। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक का सील लगी हुई, इसको हम हटाएंगे क्लीवर की मदद से। ये देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले इसका जो ये है ये हट गया है, और हम दूसरे पैच कार्ड भी हटाते हैं। इन दोनों पैच कार्ड को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। आप इसमें देखेंगे जो बीच का सफ़ेद भाग है यही फाइबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले वहाँ पर एक स्लीव लगा दी जाती है, जिससे कि पकने के बाद ये टूटे नहीं। अब ये देखिए, इसको बहुत ही सावधानी के साथ इसके अंदर कांच का फाइबर होता है उसको निकालते हैं, बहुत ही सावधान। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका ऊपर का भी सफेद पार्ट हटा दिया गया है, देखिए उसको सही से कोर को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये होता है ओरिजिनल फाइबर। मैं दिखाने को ये देखिए दिखाने कोशिश करता हूँ। तो इसमें दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ये फाइबर होता, तो इसको हम करेंगे साफ। इसमें आइसोप्रोपाइल लगा दिया है टिश्यू पेपर में, और इसको साफ किया जा रहा है। ये बहुत ही सावधानी से इसका वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कांच का जो आप देख रहे हैं फाइबर, टूट बहुत जल्दी जाता है। अब इससे 90 डिग्री में इसको एंगल बना के इसको काटा जा रहा है। देखिए ये कट गया है, अब इसको मशीन ऑन हो गई हमारी, और मशीन में इसको लगाया जाएगा। देखिए मशीन ऑन हो चुकी है, अब इसमें लगाएंगे इसको बहुत ही सावधानी से। देखिए इन आर्क के बीच में रख दिया गया है, इसको दबा दिया गया है, ठीक है, ढक्कन बंद कर दिएगा। अब हम चलते हैं दूसरा जो पैच कार्ड का छोर है उसको भी वैसे ही क्लीन करेंगे।
ये काम बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है हाथ इसमें सेट करने के लिए। इसको साफ करना जरूरी होता है इसलिए क्योंकि डस्ट न लगने पाए, क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है। देखिए इसका भी इनेबल अभी हटाया जा रहा है, इसके ऊपर इनेबल की एक परत चढ़ी हुई होती है, उसको साफ नहीं था इसलिए दोबारा उसको साफ किया गया। अब इसको उसी मशीन से कटर से इसको काटेंगे 90 डिग्री में। इसको इसके दूसरे सिरे से लगाया जाएगा, उसको हमने उधर से लगाया, इसको इस साइड से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक फाइबर इधर से हमने लगाया, एक इधर से लगाया, बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर ये दोनों फाइबर दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये इसको आर्क करेगी ये मशीन, ठीक है। तो ढक्कन बंद करते हैं। अब यहाँ पर हमें सेटिंग देखेंगे कौन सी बटन दबाना है, तो यहाँ पर हमने सेट बटन दबाना है। ये मशीन ऑटोमेटिक है इसलिए सिर्फ सेट दबाया है, तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू आ गया है कोर का, देख रहे हैं आप, और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ये भी जोड़ देगी, अलाइन हो रहा है और ये देखिए फाइबर जुड़ रहा है। और अभी ये देखिए फाइबर जुड़ गया और यहाँ पर बता रहा है कि 0.01 dB का लॉस है, ठीक है। तो अब फाइबर जुड़ गया है, तो आगे चलते हैं। अब इसको निकाला जाएगा बहुत ही सावधानी से। देखिए ये टूट गया है, यही सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोबारा करते हैं हम, अब दोबारा हम इसको लगाते हैं। ये बहुत ही सावधानी का वर्क होता है। अब यहाँ पर ये पक रहा है, अभी मशीन बीप देगी और जैसे ही बीप देगी वैसे ही ये देखिए, और यहाँ पर हीट की लाइट भी जल रही थी। अब ये हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके ज्वाइंट हमारा कंप्लीट बन गया है। और ऐसे हम फाइबर की स्प्लाइसिंग करते, ऐसे जितने कोर होते सभी को, और इसमें अब ये सुरक्षित हो गए, अब ये जल्दी ख़राब नहीं होगा इस स्लीप की वजह से, और हमारे पूरा कंप्लीट स्प्लाइसिंग हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का स्प्लाइसिंग हो, इसमें भी कई सारे टाइप के फाइबर आते हैं, इनकी चर्चा हम बाद के करेंगे, तो आप इस मशीन से जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।